नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का प्रथम पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, पत्र एवं डायरी। अब इसके आगे की वीडियो में विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं कि पत्र किस प्रकार के होते हैं और किस किस प्रसंगों में हम पत्र लिख सकते हैं। उसके कुछ आपकी किताब के पुस्तक के दिए गए पत्रों भी हम पढ़ चुके हैं और ये सब पत्रों की पढ़ाई के बाद अब आगे है। हमारे पाठ का नाम है पत्र एवं डायरी, यानी कि हमें पत्र के साथ साथ डायरी के विषय में भी इस पाठ में पढ़ना है। तो पत्र के विषय में हम विद्यार्थियों पढ़ चुके हैं, अब आगे हमें देखना है कि डायरी जो है उसका क्या मतलब है। डायरी माने के क्या, डायरी का अर्थ क्या होता है और डायरी की विशेषताएं, उसके लेखन के लाभ कैसे लिखा जाता है और उसके दो उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम डायरी के विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने 6 पर डायरी लेखन के बारे में दिया गया है। तो मेरे साथ साथ आप भी पुस्तक में देखें। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। यहाँ पर डायरी शब्द विद्यार्थियों अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अगर कहा जाए विद्यार्थियों तो डायरी को क्या बोलते हैं, तो दैनंदिनी या तो दैनिकी। दैनिक मतलब के रोज का, रोज के दिन का जो होता है उसे हम बोलते हैं दैनिकी। शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है डायरी के लिए। अभी डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। अभी ये डायरी का यूज़ क्या है, उसका प्रयोग क्या है, किस लिए डायरी लिखी जाती है। तो यहाँ कहा गया है विद्यार्थियों कि डायरी में हमारे निजी जीवन का, निजी यानी विद्यार्थियों हमारा पर्सनल लाइफ के बारे में जो कुछ भी हम सोचते हैं या फिर हमारी लाइफ में जो घटित होता है हमारे जीवन में उसको बोलते हैं हिंदी में निजी, यानी कि हमारा पर्सनल। अब प्रतिदिन, तो दैनिकी का मतलब है रोज का, जो रोज बना हुआ है हमारे बारे में वह हम उसमें लिखते हैं, वो प्रतिदिन हो जाता है। घटित घटनाओं का, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वही घटनाओं का लेखा जोखा, यानी कि हम अपनी तरफ से हमें जो कुछ भी लगा वो अपने भाव उस पर अंकित कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएँ, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अभी डायरी लिखने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी है जिसको डायरी लिखने का शौक है अथवा तो डायरी लिखने की उससे आदत है, तो उस व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन में घटित घटनाओं के बारे में या कार्यों और तथ्यों, यानी कि उसके जीवन के जो कुछ भी सच है, सच्चाई या तथ्य है, हम सब उसकी डायरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में हम जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। अब जो व्यक्ति डायरी लिखता है वह कहाँ गया है कि वह अपने जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है उसके साथ साथ ही वह उसके बारे में क्या सोचता है, उसके मन में उसके बारे में क्या धारणाएं हैं, कैसे भाव है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो सब विद्यार्थियों प्रतिक्रियाएं, वो भी अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति माने कि उसे प्रदर्शित करना, वो सब अंकित करता है यानी कि लिखता है। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है, इसीलिए वो व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखता है, तो एक व्यक्तिकता भी उसमें आती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक भी लिखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि डायरी दैनिकी मतलब कि रोज ही लिखी जाए। कई कई व्यक्तियों को शौक़ होता है, वह अलग अलग तरह की व्यक्तियों को अलग अलग तरह की डायरियाँ लिखने का शौक़ होता है। कोई डायरी प्रतिदिन लिखता है यानी कि रोज़ लिखता है, तो किसी को आदत होती है वह साप्ताहिक लिखता है। साप्ताहिक यानी कि वीक, जो 60 दिनों का सप्ताह होता है।
वन वीक के बाद वो लिखता है सारे अपने साप्ताहिक, यानी कि 7 दिनों के अंदर जो उसके साथ घटित हुआ है, जो वो सोचता है, वह सब वो डायरी में लिखता है। और कई लोगों को पाक्षिक डायरी लिखने की, पाक्षिक का मतलब है 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वह लिखता है। या फिर कई लोग मासिक डायरी भी लिखते हैं, यानी कि मंथली वन टाइम, महीने में एक बार सारे महीने की गतिविधियाँ और प्रतिक्रिया और उसके साथ हो चुके घटना और बनाव के बारे में वो लिखता है। अभी डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है विद्यार्थियों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डायरी लेखन की क्या विशेषताएं, उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए डायरी लिखनी चाहिए हमें। या तो कोई व्यक्ति अगर डायरी लिखता है तो उसके क्या लाभ होते हैं, उसकी विशेषता क्या है। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है विद्यार्थियों, निम्नलिखित माने के नीचे लिखित, नीचे दिए गए गुण होने आवश्यक हैं। अभी जो व्यक्ति डायरी लिखता है तो डायरी लिखने वाले में यह गुण होने जरूरी होते हैं। कौन से? तो पहले दिया गया है कब डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। जो भी कोई व्यक्ति डायरी लिखता है तो वह बारी बारी से अपने साथ हो चुकी प्रतिक्रियाएं और घटनाएं और अपने जीवन के प्रसंगों को बारी बारी से उसमें अंकित करे या अभिव्यक्त करे, उसका एक क्रम होना चाहिए। इसीलिए डायरी लिखने वाला व्यक्ति डायरी लेखन में, उसके लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ख, दूसरी बात है इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त सारगर्भित तथा वास्तविक हो। जो भी कोई व्यक्ति डायरी लिखता है तो डायरी में हमेशा सच लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर हमें जो कोई भी कहानी याद हो तो वो लिखते। डायरी क्या है? उसके जीवन की सच्चाई है। इसलिए उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, उसका जो कुछ भी विवरण है, वह ज़्यादा लंबा नहीं, संक्षिप्त यानी उसका शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट में वो लिखे और संक्षिप्त माहिती उसकी होनी चाहिए, लेकिन वह माहिती कैसी होनी चाहिए? सारगर्भित, संक्षिप्त माहिती के बाद भी अच्छे से समझ में आ जाए उसका सार, यानी उसका अर्थ, गर्भित उसके अंदर का जो सार अर्थ है वो हमें समझ आना चाहिए, तथा वास्तविक होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तीसरी बात है डायरी लेखन में स्थान, स्थिति, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। जो कुछ भी हम डायरी में लिखते हैं तो वो किस स्थान के बारे में लिखा गया है, तिथि क्या थी उस दिन की, या फिर घटना कब बनी थी, या फिर तथ्य का जो कुछ भी इसके बारे में भी हम लिखते हैं उसका तथ्य, उसका सच स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख हमें करना चाहिए। चौथी बाबत है डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यदि हम डायरी लिख रहे हैं तो डायरी में वैसे ही बातें विद्यार्थियों लिखी जाती है जो कुछ भी हमारे जीवन में हमारे साथ घटित हुआ है, या तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, कौन सा प्रसंग और कौन सा बनाव, कौन सी घटना बनी है, सब उतना ही लिखना चाहिए। अब उसके डायरी लिखते समय उस पर हमारी आलोचना या टीका टिप्पणी या फिर कोई भी बनाव का टिप्पण, हमें उसके बारे में क्या लगा, या तो फिर उसके बारे में काल्पनिक कोई बातें या चित्रात्मकता, ऐसी अनावश्यक, इन बातों की कोई ज़रूर होती नहीं, इस बातों की कोई ज़रूर नहीं है यहाँ पे। यहाँ विद्यार्थी वो हमें क्या लिखना है डायरी में, सिर्फ ये सब क्या है, अनावश्यक विस्तार है। जैसे कि हम पहले भी देखा कि डायरी में हमेशा सच बातें और हमेशा जरूरी बातें ही लिखी जानी चाहिए जो कि सच है और वास्तविक है। इसीलिए डायरी में ये सब काल्पनिक बातें अपनी ओर से लिखकर ज़्यादा उसका विस्तार बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें निबंध नहीं लिखना है विद्यार्थियों, डायरी में क्या कुछ लिखना है जिसके बारे में हम जानते हैं और जो सच है हमने देखा वही डायरी में लिखना है। अब दूसरा डायरी का फायदा है कि डायरी लेखन के लाभ क्या है,
अगर डायरी लिखते हैं तो उसके लाभ उसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, डायरी लेखन में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पहला है, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अभी कोई व्यक्ति उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, अगर ये हमें जानना है तो यदि वो व्यक्ति डायरी लिखने का शौकीन है या डायरी लिखने की उसे आदत है तो उसकी डायरी पढ़कर हमें उसके भूतकाल के जीवन की कई घटनाएं के बारे में पता चल सकता है कि जिसके बारे में उस व्यक्ति ने लिखा होता है। इसीलिए इससे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी होती हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। अब डायरी में हम अपने बारे में और अपने साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हम लिखते जाते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या रहता है? इस उल्लेख से इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। व्यक्ति अपने बारे में जो कुछ भी अच्छा और बुरा है वह उसमें लिख देता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। यदि व्यक्ति कुछ लिखकर उसके साथ जो घटित हुआ है यदि वो भविष्य काल में भूल जाता है तो वो अपनी ही डायरी में देखकर उसे याद कर सकता है कि इस दिन पर उसने क्या किया था या उसके साथ क्या हुआ था, ये सब ही लिख सकता है। और इससे बुराइयों से भी बचा जा सकता है। वह इसमें उसके साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित हुआ था उसके बाद से वह अपने जीवन में प्रेरणा भी ले सकता है कि आगे से ऐसी घटनाएं या ऐसी अभिव्यक्तियाँ प्रतिक्रियाएं मुझे नहीं करनी है, ये लाभ भी होता है। आगे है विद्यार्थियों, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। यदि विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या है, यदि मैं डायरी लिख रही हूँ अपने जीवन के बारे में तो यह एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है मेरे बारे में कि इसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति के यानी जो डायरी लिख रहा है, अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरे बारे में, मेरे पिछले अनुभवों के बारे में या मेरे साथ घटी घटनाओं के बारे में उसकी जानकारी भी मेरी डायरी द्वारा अन्य व्यक्तियों को पता चल सकती है। कैसे? क्योंकि उसमें मैंने अपने ही शब्दों में लिखा होता है कि मैंने आज ये देखा, मेरे साथ आज ये हुआ, मुझे ऐसा लगा और इस तारीख को इस स्थान पर ये घटना मेरे साथ घटी या तो फिर यह बनाव मैंने देखा। अब ये वास्तविकताएं जो मेरे बारे में होती है और जो मैंने लिखी है यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जाननी है तो वह मेरी डायरी पढ़कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये हुए डायरी के लाभ। अभी विद्यार्थियों में डायरी लेखन के उदाहरण, यानी अभी हमने जो समझा, यदि डायरी लिखनी है या कोई लिख रहा है तो किस तरह से डायरी लिखनी चाहिए, उसके यहाँ पे हमें दो उदाहरण विद्यार्थियों दिए गए हैं। तो हम देखेंगे, पहला उदाहरण है किसके विषय में डायरी लिखनी है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। पहला उदाहरण है जिसमें किसके बारे में कहा गया है, अपने नए विद्यालय यानी कि नया स्कूल अगर ज्वाइन करना है तो उसके पहले दिन की घटनाओं को, यदि कोई विद्यालय पहले दिन गया हुआ है व्यक्ति तो पहले दिन पर उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, अगर उसके बारे में डायरी लिखनी हो तो कैसे लिखी जा सकती है। पाठ्य पुस्तक में देखें विद्यार्थियों, सबसे पहले डायरी लिखने वाला व्यक्ति उस दिन की दिनांक लिखेगा, यानी कि यह विद्यालय के पहले दिन वाला एग्जाम्पल देखें तो कब की यह घटना है, 7 अगस्त 2010 जामनगर, यानी कि जामनगर में उसका विद्यालय है और 7 अगस्त के दिन उसका पहला दिन है। अब वहाँ उस दिन पर क्या क्या हुआ यह आगे लिखा गया है। देखिए विद्यार्थियों, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। जो देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति लिखता है अपने बारे में तो वो मेरा में ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा क्योंकि वो खुद के बारे में लिख रहा है। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुँचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिसके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वह संतुष्ट
नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूं। अब उस दिन का पूरी घटनाएं इसने डायरी में लिखी हुई है इस व्यक्ति ने, कि उसका दिन कैसा रहा, क्या क्या उसके साथ घटित हुआ। अब इसी प्रकार विद्यार्थियों, दूसरा उदाहरण है इसके बारे में कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा यानी हमारे एनुअल एग्ज़ाम जो होती है, वह उसके एक दिन पूर्व यानी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है उसके ठीक एक दिन पहले, पूर्व मानी पहले के अनुभव को। यदि कल से विद्यार्थियों हमें कहा जाए कि हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है, होने वाली है, तो उसके एक दिन पहले हम कैसा अनुभव करेंगे, हमें क्या घटनाएं हमारे साथ होगी, या तो हमारी प्रतिक्रिया, हमारी अभिव्यक्ति क्या होगी, इसके बारे में अगर डायरी में लिखने को कहा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। सर्वप्रथम तो उस दिन की दिनांक लिखेंगे, 5 अप्रैल 2012। इसके बाद आता है स्थान, कि डायरी लिखना व्यक्ति किस स्थान पर रहता है, तो यहाँ पर लिखा है राजकोट। अभी वह लिखेगा कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। अगले दिन के बारे में ही वह लिख रहा है, तो वह कल को बारे में पहले लिखेगा कि कल हमारी वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, रात्रि के 1 बज गए हैं। माने कि वह रात्रि के 1 बजे डायरी लिख रहा है, परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है, माने उसका पेपर है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। आगे कह रहा है कि सब कुछ दोहरा लिया है, मतलब कि जो कुछ भी पढ़ा है उसे दोहराना, मतलब एक बार वापस भी उसे रिपीट कर चुका है, फिर भी मन में अजीब सा एक भय है यानी डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर टाटस बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। अब वो डरा हुआ तो उसके पिताजी उसे जागता हुआ देखकर उसे थोड़ा सा दिलासा देते हैं और बिस्तर पर लेटने को, सो जाने को कहते हैं। बत्ती बंद कर दी, बिस्तर पर पड़े पड़े ही नींद नहीं आ रही। अब उसको लेटे लेटे भी नींद नहीं आ रही है। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा, माने कि डायरी लिखने को बैठ गया। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। अब उसने परीक्षा के ठीक पहले दिन के बारे में जो कुछ भी वो सोच रहा था कि उसकी प्रतिक्रियाएँ कैसी थी, उसके मन के भाव कैसे थे, सब कुछ पढ़ लिया था, फिर भी उसे कल के दिन के लिए, पेपर के लिए डर था, इसीलिए वह अपने जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं और भाव थे उसको डायरी में अंकित करके फिर वापस सो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने देखा कि डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है, डायरी लेखन के लाभ क्या है, और उसके 2 उदाहरण हमने देखे। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पाठ पहला खत्म होता है। अब इसके बाद के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।